है भैया, पशु पक्षी भूख से लड़ने खाने में रहते हैं, जिनमें अधिक विचार है उनको ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, मानव का दल पशु पक्षी क्या सारे जग पर शासन कर सकते हैं। हे भैया, अपने ही घर देख लो, नारी का षड्यंत्र राजा तक को खा गई, दासी का वह यंत्र। यद्यपि हे भैया, यद्यपि आज्ञाकारी सुख का हम पूरा कार्य कर रहे हैं, अजरज अनुरज होकर एक पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताता है, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाता है। चारों वे पद किसका करता, वह विद्वान जन ही जान रहे है, अपने अपने पथ पर पदधारी हम तो इतना ही मान रहे। क्रम क्रम की बातें यूं होती नित्य सहर, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष, लगा 13वां वर्ष तब करने 13 3 होनी होती है अमित, इसमें मेष नवीन है। भैया तुम कुछ फल और फूल ले आओ। क्या क्या दादा जी, हे प्रिय, हे प्रिय, अब हमें शत्रुओं के नाश के लिए आपको कुछ दिनों अग्निदेव को पास रहना होगा। ऐसी आ गया स्वामी। हे अग्निदेव प्रकट होइए, हे अग्निदेव प्रकट होइए, हे अग्निदेव प्रकट होइए। भगवान प्रणाम। भगवान आपने हमें किस लिए याद किया? हे अग्निदेव, आप सीता को ले जाइए और इनकी छाया हमारे पास छोड़ जाइए। ऐसी आज्ञा भगवान। चलो बेटा सीता। भैया लो ये फल, लाओ भैया। कुछ दिनों बाद रावण की बहन सुपर्णखा आई उस ठोर घूमने को। स्वामी एक बरस बाकी है केवल, लौट आयो क्या जाने में। मंगल गाएंगे, हम मंगल आयो जाता, खुशी के मंगल
रावण की बहन सुपर्णखा आयुष ठोर घूमने को मां नो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगिया अकुला उठी सात्विकी पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रवृत्ति ललचा उठी। सुपर्णखा वहां आ जाती है पंचवटी में और राम लक्ष्मण को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। आगे देखिए साइड कर दे साइड कर दे वही तक ले रे इसी सुंदरी जके मध्य न कोई और तुमसे भी सुंदर युवा नहीं किसी भी हो हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संभाल कर रखा है आश्रय दो मुझको वनवासी सृष्टि का पूर्ण उद्धार करो मैं अज्ञात को देती हूँ तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो हे क्षमा करो हे कामनी ना हो हमारे साथ हम कुआरे नहीं विवाहित है फिर एक नारी व्रत रखते हैं अपनी को छोड़ अन्यथा को माता और बहन समझते हैं अतः तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं हम आर्य पुरुष है आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं तुम भैया लक्ष्मण के पास जाओ उन्हें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर होगा तो है वनवासी मुझे देखकर तुम क्यों मंद मंद हंसते हो वह तो है ब्याहे हुए लेकिन तुम कुंवारे लगते हो बात कहने में वो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम जिंदा रहने के लिए तेरी कसम